हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट स्टडी इंडिया सो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फोर्थ यूनिट जहां पे हम माइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपको बताया गया था कि आपको स्टैटिक के फोर लेक्चर रोचना मैम कराएंगे फोर यूनिट्स आपको रोचना मैम कराएंगे और रिमेनिंग यूनिट्स मैं आपको मैं कराने वाली थी बट किसी वजह से ये फंजाई वाला पोर्शन भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी तो चलिए आज इस वीडियो से हम लोग फंजाई को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम पूरी यूनिट्स में देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज देखने को है और हम किस तरीके से इस पूरे यूनिट को कवर करने वाले हैं सो स्टूडेंट्स माइकोलॉजी में आपको स्पेशली पढ़ना होता है अबाउट द फंजाई माइकोलॉजी का मतलब होता है कि फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है कि फाइकोलॉजी या सॉरी फंजाई क्या होते हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है फंजाई को स्टडी करने के लिए हमने डिफरेंट जो उनको क्लासेस में डिवाइड किया है उन क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं उन फीचर्स के साथ साथ उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर्स होते हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है और लास्ट में हमें पढ़ना है कि भाई फंजाई में होने वाले कुछ बहुत ही स्पेशल तरीके के जो फिजोलॉजिकल uh, एक्टिविटीज होती है जैसे पैरासेक्सुअलिटी और जैसे हेट्रो uh, बहुत सारी और भी अलग अलग चीजें होती है जिसके बारे में हमें इस यूनिट में डिटेल में पढ़ना है ठीक है तो पैरासेक्सुअलिटी वगैरह को हम डिटेल में लास्ट में देखेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंजुआई को डिस्कस करना फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे उसकी लाइफ साइकिल उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में जो मेजर क्लासेस है उनको डिस्कस करेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो आपके यूनिट्स में मेंशन किए गए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा यूनिट कवर किया जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन

या फिर हम नहीं हम एक काम करते हैं नोट पे चलते हैं ताकि हम आपको वहां पे थोड़ा सा फंजाई के बारे में कुछ चीज एक्सप्लेन कर सके उसके बाद हम स्लाइड्स पे आके चीजों को पढ़ लेंगे तो सबसे पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो फंजाई ग्रुप है इसके बारे में आपको हिस्ट्री से क्या पता चलता है इसके एवोल्यूशन के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है सबसे पहले जो फंजॉई ग्रुप था जब हमारे पास क्लासिफिकेशन के सिर्फ सिर्फ दो किंगडम हुआ करते थे एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम सो उस समय में हमने जो है फंजॉई को जो है वो प्लांट्स के साथ रखा था क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता था आपको पता है प्लांट सेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि वहां पर वॉल होता है जबकि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है ऐसे ही हमने जब फंजाई के बारे में स्टडी करना स्टार्ट हुआ तो हमें देखने को मिला कि फंजाई की वॉल फंजाई के सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है तो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हिसाब से हमने इसे प्लांट में रख दिया फिर उसके बाद जब थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आई जब थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आई तो उसमें हमने देखा कि प्रोटेस्टा एनिमेलिया और प्लांटी इस तरीके से तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था तो जो फंजाई होती हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की तरह होते हैं जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर प्लांट से बिल्कुल अपोजिट होते हैं तो ऐसे में कुछ समय तक जो फंजाई है उन्हें हमने प्रोटेस्टा में रखा फिर धीरे धीरे बाद में और जब क्लासिफिकेशन और इवॉल्व हुए हमने और डीप स्टडी की तो हमें पता चला कि भाई फंजॉई एक ऐसा ग्रुप है जो ना तो कम्पलीटली प्रोटेस्टा को फॉलो करता है ना तो कम्प्लीटली वो प्लानिटी को फॉलो करता है तो इसलिए आर एच चेटिकर ने इनको एक अलग क्लासिफिकेशन एक अलग किंगडम में स्टेबलाइज कर दिया तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि फनजॉय को स्टडी अगर हम करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि फंजॉई को सबसे पहले इनको एक अलग किंगडम में रखा गया था सबसे पहला आपका जो किंगडम आता है वो है आपके पास किंगडम मोनेरा इसके बारे में हमने यूनिट सेकेंड में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि भाई बैक्टीरिया क्या होते हैं माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं ये सारे मोन जो मोनेरा के मेंबर होते हैं हमने उसे देखा था प्रोटेस्टा के बारे में आपको इस यूनिट में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है तो प्रोटेस्टा को भी हम रहने देते हैं हमें हाँ जो तीसरा किंगडम जो कि डिटेल में पढ़ना है वो है हमारे पास फंजॉई प्लांटी के बारे में तो आपको पढ़ना ही है आगे चल के क्योंकि आप बॉटनी पढ़ रहे हैं और एनिमेलिया के बारे में आप जुलॉजी में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो हमारा जो मेन फोकस है वो अकॉर्डिंग टू आर एच क्या है ये है फंजाई इसी फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम हाँ आज इस वीडियो में जानने वाले हैं फंजाई अपने आप में एक बहुत ही बड़ी क्लास है इसमें बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी आपको देखने को मिलती है कुछ फंजाई जो है वो सिंगल सेल भी होते हैं और कुछ फंजाई जो है फिलामेंटस लार्ज बहुत बड़े बड़े साइज के भी होते हैं ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं ये जो है सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं ये जो है सिम्बायोसिस भी हो सकते हैं तो अलग अलग तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं इसमें हमें वाइड वेराइटी देखने को मिलती है इनके कलर में इनके मोड ऑफ लाइफ रिप्रेजेंटेशन में इनके रिप्रोडक्शन के तरीके में हर चीज में हमें वाइड वराइटी ऑफ वो क्या कह सकते हैं वाइड वेराइटी हमें देखने को मिल सकती है किसमें वेरिएशन में देखने को मिलती है अब हमारे पास फंजाई को डिटेल में डिस्कस करने के समय हमें कुछ चीजों के बारे में ध्यान देना होगा सबसे पहली बात क्या है कि फंजाई के पास सेलवॉल होती है फंजाई के पास क्या होती है सेलवॉल होती है और ये जो सेलवॉल होती है ये बनी होती है काइटीन की सेल वॉल जो है वो बनी होती है काइटिन की जो हायर ग्रुप्स होते हैं फनजॉपय के उनमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है जबकि जो लोअर ग्रुप होती है जो है ये जो है फंजाए फंजाए जो जो हायर ग्रुप्स होते हैं की में सेल वॉल होती है अगर हम बात करते हैं हायर ग्रुप्स के बारे में तो ये सेल वॉल जो है वो किसकी मिलकर बनी होती है ये बनी होती है काइटिन की वहीं पर अगर हम लोअर ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये सेल वॉल मिलकर बनी होती है किसकी सेलुलोस की तो इस तरीके से हमारे पास और सेलुलोज इन दोनों के जो है हमें सलवॉल में देखने को मिलते हैं बट हम जो हायर ग्रुप्स होते हैं उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मेन फीचर्स मानते हैं किसका फंजाई का आपको फंजाई जब भी पढ़ने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि लोअर ग्रुप्स में कुछ अलग फीचर्स होते हैं लोअर ग्रुप में कुछ अलग क्वालिटी uh, होती है जबकि हायर ग्रुप्स में बिल्कुल उससे अपोजिट क्वालिटीज देखने को मिलती है जैसे रिप्रोडक्शन भी आप देखेंगे तो लोअर ग्रुप्स में रिप्रोडक्शन करने का तरीका दूसरा होता है और हायर ग्रुप्स में रिप्रोडक्शन करने का तरीका दूसरा होता है तो कुछ इस तरीके से वेरिएशन भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप फंजाई को एक एक ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा जैसे आप फंजाई की जो सबसे एडवांस ग्रुप मानी जाती है जैसे हम कहते हैं ड्यूटो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एबसेंट होता है जबकि जो उससे कम जैसे आपके पास बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं तो वहां पे जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई मोटाइल जो गैमेट होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते वहीं पे जो हमारा फाइकोमाइसिटीज है है ओमाइसिटीज यहां पे आपको मोटाइल देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से वेरिएशन आपको ग्रुप्स के अंदर भी देखने को मिलेगा फंजाई में भी तो बहुत सारी चीजें हैं आपको हर चीज को दिमाग में याद करके रखना है और एक कंपेरेटिव आपके दिमाग में जो है इमेज क्रिएट हो जाएगी तो आप फंजाई को इजिली समझ पाओगे वरना फिर भूल जाओगे कि कब कब था 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 तो क्यों था काइटीन था तो क्यों था इस तरीके से कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगा अगर आप हर चीज को ध्यान से समझोगे नहीं तो सेल वॉल के बारे में बात हो गई लो भाई सेल वॉल तो अपने आप मिट गई तो फिर से लिख लेते हैं कि इनके पास क्या होती है सेल वॉल होती है जो कि प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था लेकिन प्लांट्स के पास सेल वॉल के साथ-साथ अगर हम हायर ग्रुप्स की बात करें तो ये जो सेल है अगर हम हायर क्लासेस की बात करें तो यहां पे क्या होता है यहां पे ये बनी होती है काइटीन की और काइटीन आपको पता है कि ये एक बायोमोलिक्यूल्स होता है जो नाग से मिलके बना होता है जिसके बारे में हमने आपको बताया था जब हमने के बारे में पढ़ा था तब अगर लोअर ग्रुप जो होती है वहां पर ये जो सेलवोल है वो सेलुरोस से मिलकर बनी होती है प्लांट के पास भी सेल वॉल होता है इनके पास भी सेल वॉल होता है बट जो मेजर मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है किसके प्ला, प्लांट्स और फंजाई के बीच में वो क्या है कि यहाँ पे ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं जो फंजाई होते हैं वो नॉन फोटो सिंथेटिक होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है बट इनके पास क्या प्रेजेंट होता है इनके पास प्रेजेंट होता है इनके पास प्रेजेंट होता है बस इनके पास कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है ये फंजाई को प्लांट से बिल्कुल धुम तरह धूम तरह करके अलग करने वाला फीचर है कि प्लांट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सब है उनके पास क्लोरोफिल होता है बट फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है दूसरी बात यह है कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है इसका मतलब है कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये सिम्बायोसिस करते हैं इनके मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सिम्बायोसिस हो सकते हैं कर सकते हैं ये पैरासिटिक हो सकते हैं ये पैरासिटिक हो सकते हैं ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं तो ये और अलग जो या सिंपली आप कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये कैसे होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बना सकते अपने भोजन के लिए किसी अन्य

टिक और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको फॉलो करते हैं और भी कुछ बात कर लेते हैं अगर इनके बॉडी में हम मोड ऑफ स्टोरेज की बात करें स्टोरेज स्टोर फूड मटेरियल की अगर हम बात करें स्टोर फूड मटेरियल की बात करें अगर तो इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो कि एनिमल्स में पाया जाता है आप एनिमल्स में में ह्यूमंस देखेंगे तो फूड स्टोर करने का जो फॉर्म होता है वो होता है ग्लाइकोजन जबकि प्लांट में ये फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फूड स्टोर है वो किस फॉर्म में स्टोर है वो स्टोर है आपके पास इनके Uh, जो है कि ग्लाइ, uh, ग्लाइकोजन के फॉर्म में और भी कुछ चीजें अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फंजाई जो है वो एक थैलॉइड बॉडी के होते हैं मतलब कि इनके पास कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है इनकी बॉडी जो होती है वो बेसिकली इस तरीके से आपके पास कह सकते हैं इस तरीके से धागे नुमा संरचना होती है और इस तरीके से ये ब्रांच या अन्य ब्रांच किसी भी तरीके से हो सकते हैं मतलब कि अगर हम इनके बॉडी की प्लांट बॉडी की बात करें या इनके बॉडी की बात करें तो ये कैसे होते हैं ये थर्ड लाइक होते हैं और इनकी ये जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसी को हम हाइफी कहते हैं हाइफी क्या होती है फंजाई की जो फंजाई की जो फिलामेंट्स होती है जो उसकी बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है और उस फिलामेंट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसे हम हाइफी कहते हैं जब ये हाइफी मल्टीपल मल्टीपल इस तरीके से कई बार क्रॉस बना के एक नेट लाइक -like स्ट्रक्चर बनाती है तो इसे हम क्या कहते हैं देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसीलियम अभी ये सारी चीजें हम देखेंगे बट आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में सारे स्ट्रक्चर्स को सारे फीचर्स को एक बार बोर्ड में बताने के लिए मैं आपको चीजें को एक्सप्लेन कर रही हूँ ये हाइफी क्या होता है कि अगर जो फिलामेंटस पार्ट होता है जो फाई की हाइफ जो फंजाई की प्लांट बॉडी होती है वो इस तरीके से धागे नुमा संरचना से मिलकर बनी होती है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी और ये जब हाइफी एक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं तन तो इसे हम कहते हैं माइसिलियम अगर इस हाइफी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखें थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको दिखाई देगा कि हाइफी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है कि कुछ हाइफी ऐसी होती है कुछ प्लांट्स हाइफी ऐसे मतलब कुछ में हाइफी ऐसी होती है जिनके बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता जिनके बीच में क्या होता है कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता इनके बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं जैसे सपोज कर सकते हैं कि इस तरीके से अरे भाई क्या है आपका ऐसे सपोज कर सकते हैं कि इस तरीके से मान लो कोई इस तरीके से कोई ट्यूब है इन ट्यूब में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है और इसी को हम कहते हैं हाइफी तो कभी कभी ये हाइफी बिल्कुल इस तरीके से फ्री फॉर्म में इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जबकि कभी कभी इनके बीच में इस तरीके से सेप्टास का फॉर्मेशन होता है तो अगर जब सेप्टा नहीं होते हैं तो इसे हम कहते, है। हम कहते हैं ए सेप्टेड ए सेप्टेड या फिर इसी को हम कहते हैं सीनो सीनोसाइटिक हाइफी इसे हम क्या कहते हैं सीनोसिटिक हाइफी और वहीं पे जब हमारे पास जो हमारे पास हाइफी है इनके बीच में इस तरीके से सेपरेशन देखने को मिलता है तो इसे हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी से हम क्या कहते हैं सेप्टेट हाइफी तो हाइफी भी दो तरीके की हो सकती है कभी कभी क्या होता है कि ये एक पतली सी ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसमें न्यूक्लियस पड़े होते हैं लेकिन इनके बीच में कोई भी वॉल इनको सेपरेट नहीं करती तो इसे हम कहते हैं सिनोसेटिक या फिर एसेप्टेट हाइफी और वहीं पे कभी कभी क्या होता है या जब कह सकते हैं हम एडवांस ग्रुप जो होते हैं ये देखो लोअर जो फंजाई होते हैं उनके फीचर्स और ये जो है एडवांस फंजाई जो है उनके फीचर्स इनमें क्या होता है कि इनमें जो हाइफी uh, का जो फिलामेंट होता है इनमें क्या होते

ये ब्रांस और अनब्रांच भी हो सकती है जो आपके पास सिनोसेटिक या फिर सेप्टेट हाइफी है ये ब्रांस या अनब्रांच भी हो सकती है अगर हम सेप्टेट की बात करते हैं जिस इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास सेप्टेट हाइफी है इस तरीके से हमारे पास सेप्टेट हाइफी है इसमें क्या है यहाँ पे इस तरीके से सेप्टास का फॉर्मेशन है यहाँ पे इस तरीके से सप्ता बने हुए यहाँ पे इस तरीके से सप्ता बने हुए हैं इस तरीके से यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है कभी कभी क्या होता है ये सेप्टा बिल्कुल ही सीधे, सीधे सीधे सिंपल से होते हैं इसमें इसमें कोई भी, आ, कोई भी भी अलग से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता लेकिन कभी कभी यहीं पे क्या होता है ये सेप्टास क्या होते हैं यहाँ पे अपने कॉर्नर पे इस तरीके से फूल जाते हैं और इनके बीच में एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टा जिसे हम क्या कहते हैं डोलीपोर सेप्टा तो सेप्टा भी डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं एक होता है सिंपल सेप्टा दूसरा होता है डोलीपोर सेप्टा डोलीपोर सेप्टा जो है वो बेसिडियोसिटीज का

और आपको एक एक चीजों के बारे में बताते हैं सबसे पहली बात तो फंजाई जो है उसकी डायवर्सिटी या उसकी वराइटी बहुत ज्यादा होती है इसमें आपको जो ग्रुप्स ग्रुप्स देखने देखने को को मिलेंगे मिलेंगे वो बहुत देखने को मिलें। दिया गया इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो फंजाई है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है मशरूम जो फंजाई वर्ड है वो एक लैटिन शब्द का है वर्ड है जिसका मतलब होता है मशरूम और मशरूम को बेसिकली हम क्या कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द फंजाई फंजाई और क्लोरोफिलस ये कैसा होता है होता है, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है क्लोरोफिल एबसेंट होता है उसके बाद हेटरोट्रॉफिक होता है का मतलब अगर क्लोरोफिल नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कि ये हेट्रोड्रॉप होगा ऑटोट्रॉफ्स नहीं हो सकता उसके बाद यह थे होते हैं एंड मेडअप ऑफ जो है कि टुगेदर कंस्टिट्यूट फॉर्म ऑफ माइसीलियम इनकी जो बॉडी होती है वो हाइफी से मिलके बनी होती है और बहुत सारी हाइफी मिलके माइसीलियम का फॉर्मेशन करती है एक चीज आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि जो आप पुरानी क्लासिफिकेशन देखते हैं जो आपकी बुक में मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो सारी क्लासिफिकेशन तब की है जब हम फंजाई को प्लांट किंगडम में रख के पढ़ते थे तभी आपको देखने को मिलता है कि जब हम थैलोफाइटा पढ़ते हैं तो थैलोफाइटा में हमारे पास एलगी के साथ साथ फंजाई भी देखने को कैसे किसी बुक्स में मिलते हैं क्योंकि उस समय

हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है जहां पे हम नॉन एम्ब्रियोफाइटा नॉन एम्ब्रियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में इसको डिवाइड करते हैं एम्ब्रियोफाइटा में डिवाइड करते हैं और आपको पता है कि एम्ब्रियो बनना सबसे पहले कहां पे स्टार्ट हुआ था ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइटा में पहली बार एम्ब्रियो बना था तो ब्रायो टेरिडो जिम्नो और एनजीओ इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है इन सब में आपको एम्ब्रियो देखने को मिलता है लेकिन नॉन एम्ब्रियो फाइटा में आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपके पास एलगी होती है और साथ ही साथ आपके पास फंजाई भी होती है या फिर अगर आप अः इस तरीके से क्लासिफिकेशन आप देखते हो तो आपको यहां पे एलगी और फंजाई दोनों देखने को मिलता है जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन थी तो उस समय जो है फंजाई को हम वो हम प्लांट किंगडम में रखते थे इसलिए हमें कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन देखने को मिलती थी लेकिन अब की क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको यहां से हटा दिया गया है नॉन एमडीएफ में आप एलगी को रखते हैं और इस तरीके से आप देखते हैं दूसरी हमारी प्लस जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है वो है वो है नॉन ट्रैक्योफाइटा और इधर दो है दूसरा हमारे पास जो है वो है ट्रैक्योफाइटा नॉन ट्रैक्योफाइटा का मतलब क्या है कि ऐसे ग्रुप्स जिनमें जाइलम और सोयम्स नहीं देखने को मिलते तो इसमें हमारे पास एल्गी आता था इसमें हमारे पास फंजाई आता था इसमें हमारे पास ब्रायोफाइट्स आता था ये तीन ग्रुप्स हमारे पास नॉन ट्रैक्यो में आते थे और ट्रेक्यो में हमारे पास आता था टेरिडोफाइट्स क्योंकि पहली बार जाइलम फ्लोएम यहीं बने थे फिर हमारे पास आता था जिम्नोस्पर्म्स हमारे पास आता था जिम्नोस्पर्म्स और हमारे पास आता था एनजीओ स्र्म तो ये तीन ग्रुप्स जो है हमारे पास यहाँ पे आते थे तो यहां से भी आप फंजाई को हटा सकते हैं तो नॉन में आपके पास एल्गी और ब्रायो या फिर इसे आप आप कह कह सकते हैं आप भी कह सकते हैं 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 थैलोफाइटा थैलोफाइटा से भी भी क्योंकि ब्रायोफाइट्स के मेंबर जो है वो होते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है कि जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन थी मोस्टली जो अभी भी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो तभी की क्लासिफिकेशन है जब हमारे पास ये सारी चीजें एक्सेप्टेड नहीं थी जब हमारे पास फंजाई को अलग ग्रुप में नहीं रखा गया था तो अभी भी किसी किसी बुक में अगर यहाँ पे फंजाई दिख जाएगा या प्लांट किंगडम के साथ फंजाई दिख जाएगा तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं ये आपकी तब की क्लासिफिकेशन है जब ये चीजें अलग नहीं की गई थी तो ये कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स का रहता है तो आप लोग इसके साथ क्लियर हो जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं अपनी स्लाइड पे चलते हैं दिया गया है द फंजाई की जो स्टडी है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं माइथोलॉजी नहीं भाई जो फंजाई की क्लासिफिकेशन है इसे हम माइकोलॉजी कहते हैं जिसमें माइको का मतलब होता है मशरूम एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी तो माइकोलॉजी जो है उसे हम क्या कहते हैं फंजाई के स्टडी और वो साइंटिस्ट जो कि माइकोलॉजी की स्टडी करता है या फिर फंजाई के स्टडी करता है उसे हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं पांच हजार एक सौ जो जन जो आपके पास जेनरा है जो पांच हजार एक सौ जिनरा है यहाँ पे आपके पास फंजाई के बारे में और यहाँ पे पचास हजार स्पेसीज जो है वो हम जानते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट जो फॉसिल्स हैं चाहे लिविंग फॉर्म्स हैं उनके बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है फंजाई के बारे में वो लगभग इतनी स्पीसीज के बारे में हमको पता है मतलब आपको बस इतनी चीज कही गई कि फंजाई जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है मशरूम ये मशरूम जो है इनकी स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं और जो लोग इनकी स्टडी करते हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये एक क्लोरोफिल होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं इनकी प्लांट बॉडी थैलोइड होती है हाइफी से मिलकर इनकी प्लांट बॉडी बनती है और हाइफी जब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं इतने चीज समझ में आ गए अब हम बात करते हैं कि भाई इनकी पाँच हजार एक सौ जो स्पीसीजनरा है उसके बारे में हमें आज के बारे में पता है उसमें कुछ फॉसिल्स के फॉर्म में है कुछ जो है हमारे पास लिविंग फॉर्म में है और साथ ही साथ हमारे पास पचास हजार जो है स्पीसीज के बारे में आपको पता होगा कि मतलब पचास हजार स्पीसीज हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन है कुछ लिविंग फॉर्म में है कुछ हमारे पास फॉसिल्स फॉर्म है अब हम जनरल कैरेक्टर्स को वन बाय वन करके देखते हैं कि हमारे पास ये कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब क्या है कि ऐसी हर जगह है जहां पे लाइफ पॉसिबल है जहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल देखा जाता है उन सभी जगहों पे हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन या इनका इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है

इनकी जो सेप्टेड हाइफी होती है वो आपके पास यूनि बाई कंडीशन में देखने को मिलती है यहाँ पर सिंपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं आप 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 में आपको पोर्स सेप्टम्स देखने को मिलते हैं सेलवॉल की अगर हम बात करें तो सेलवाल जो है वो फंगल सेल की सेलोज uh, से बनी होती है और यहाँ पे आपको पास काइटी देखने को मिलता है जो लोअर फंजाई होती है वहां पे आपके पास सेल्लोज होता है और जो हायर फंजाई होती है वहां पे आपके पास काइटीन होता है नॉर्मली जो है वो इसे इसकी जो काइटीन होती है सिर्फ फंगल सेलोज के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे आपके पास क्लोरोफिल एबसेंट होता है बट कैरोटिनोइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और अगर हम बात करें तो ये होमो हेट्रोकैरियोटिक हेप्लो डाइकैरोटिक और डिप्लोटिक डिप्लॉइड तीनों प्रकार की होती है इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं। इन हायर फंजाई के अगर हम बात करें तो मोटोइल सेल जो है वो लाइफ uh, की किसी भी स्टेज में नहीं होती है बट लोअर फंजाई में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो मोटाइल्स होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जिनकी लोअर और हायर में काफी डिफरेंस होता है जैसे आपने यहां पे देखा कि इनमें जो सेलवॉल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं फंगल सेलोज कहते हैं जिसे काइटीन के नाम से जानते हैं मतलब काइटीन इनका एक्चुअल नाम है बट जैसे प्लांट्स में सेलोज होता है वैसे यहाँ पे फंगल सेलुलोज होता है ये चीज आपको दिमाग में रखनी जबकि लोअर फंजाई में आपके पास सेलोज और ग्लूकिन ग्लूकॉन्स होते हैं उसके बाद हमारे पास क्या देखा हमने की इनकी बॉडी में इनकी

कोई फंजाई है जैसे इस तरीके से फंजाई है उसकी लंबी से क्या है हाइफी है अगर इस हाइफी में मल्टीपल सेल से मान लो यहाँ पे सेप्टास का फॉर्मेशन हुआ है मान लो यहाँ पे इस तरीके से सेप्टा बने हुए हैं अब अगर इस फंजाई का कोई एक सेल या कोई एक पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है तो ऐसी फंजाई को हम यू कार्पिक कहते हैं और जबकि अगर कोई फंजाई मान लो यूनिसेलर है या छोटी सी फंजाई है दो चार सेल की उसकी पूरी की पूरी हाइफी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह भाग करती काम करती तो उसे हम होलो कहते हैं होलो का मतलब होता है कंप्लीट जब कंप्लीट जो थालस है या जो कंप्लीट हाइफी है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है तो उसे हम होलो कहते हैं और जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोई एक, एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है फंजाई का वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है या वो रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह काम करता है तो उसे हम यू कहते हैं

ऐसा ये ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन अलग अलग मेंबर्स के साथ क्यों करते हैं क्योंकि इनके पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता है फूड फॉर्मेशन का तो इनको अलग इनके पास एक एडवांटेज होता है कि ये मिनरल वाटर को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं नेटवर्क लाइफ स्ट्रक्चर तो ये कहीं ना कहीं रूट जैसे फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं तो इसलिए इनके अंदर ये जो फीचर होता है रूट लाइक -like वाला वो चीज काफी एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है तो इनके पास एसोसिएशन आप जब भी देखेंगे तो ये हर एसोसिएशन में क्या करते हैं मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और इनका जो अल्टरनेट होस्ट होता है जिनके साथ ये एसोसिएशन में होते हैं वो क्या करता है वो इनके फूड फॉर्मेशन करता है तो ये एक क्लोरोफिलस है इसलिए बेचारे घूम-घूम के सबसे दोस्ती करते फिरते कि भाई तुम मेरा खाना बना दो तुम मेरा खाना बना दो तुम मेरा खाना बना दो लेकिन फिर भी इस तरीके के बाद भी इनके पास सेप्रोफिटिक बॉडी होती है ये पैरासिटिक भी होते हैं और ये सिंबायोसिस भी होते हैं हमने यूनिट नंबर सिक्स और यूनिट नंबर सेवन में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन की थी उसमें आपको यूनिट नंबर सेवन में आपको तेरे प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ना था जिसमें से हमें लगता है दस से ग्यारह जो प्लांट डिजीज था वो वो फंगल ओरिजिन के थे मतलब फंजाई जो है पैरासिटिक नेचर इसका काफी ज्यादा एडवांस होता है इसमें आपको हाउसूरियज जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो की होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं आपको देखने को मिलेगा कि ये सेप्रोफिटिक होते हैं सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से या जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसे करके अपना भोजन लेते हैं लेकिन ये और की तरह खाना खा के अपने अपने में में नहीं पचाते। ये अपने में कुछ करते हैं। जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होता है वो डाइजेस्ट होता है और बॉडी के बाहरी डाइजेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं उसे ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं अब यहाँ पे ये यह सेप्रोफिटिक होते हैं पैरासिटिक के बारे में तो आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट की बॉडी पे जाते हैं और होस्ट की बॉडी से जो न्यूट्रिएंट होता है उसे एब्जॉर्व करके अपने आप को बढ़ाते हैं अपना रिप्रोडक्शन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासिटिक कहते हैं तो ये पैरासिटिक भी होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं कुछ जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑब्लिगेटरी होते हैं मतलब कि इनको अगर जिंदा रहना है तो इनको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए जबकि कुछ क्या होते हैं फैकल्टेटिव होते कैसे होते हैं फैकल्टेटिव होते हैं कि ये इनको अगर सेप्रोफिटिक मोड मिला तो मिला नहीं तो ये पैरासिटिक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं ये अपने फूड को प्राप्त करने के लिए पैरासिटिक मोड्स में भी जा सकते हैं मतलब कि अगर कोई हमारे पास फैकल्टेटिव अगर हमारे पास कोई पैरासाइट्स है तो वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी बन सकता है मतलब अगर हमारे पास कोई है तो अगर उसे भोजन नहीं मिल रहा है जहां उसे डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए नहीं मिल रहा है तो वो अल्टरनेट के फॉर्म में एक पैरासिटिक के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी बन सकते हैं ये क्या बन सकते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ये बाई नेचर पैरासाइट्स नहीं है लेकिन मजबूरियों ने इनको पैरासाइट्स बना दिया ये में अगर इनको मिलेगा तो अगर ऐसा नहीं होता है, है बदले होस्ट मिल जाता है तो ये की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं वैसे ही हमारे पास जो पैरासिटिक पैरासिटिक फंजाई होती है वो तो इन्फेक्शन कॉज करती है तो कुछ पैरासिटिक फंजाई जो होती है वो ऑब्लिगेटरी होती है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होती हैं मतलब की वो अगर उनको पैरासाइट उनको होस्ट प्लांट मिला तो जिंदा रहेंगी अगर होस्ट नहीं मिला तो मर जाएंगी मतलब कि बिना होस्ट के ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे इसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स जिएंगे तो तुम्हारे साथ मर, नहीं तुम रहोगे तो मर जाएंगे वो वाला कॉन्सेप्ट है वहीं पे दूसरी होती है हमारे पास फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि बाई नेचर तो ये पैरासाइट्स है बाई नेचर तो ये पैरासाइट है, है। मतलब, प्लांट्स के साथ तो खून चूस चूस के काम चलाती हैं लेकिन अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिला तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी काम चला लेती है मतलब मिला तो फाइव स्टार होटल में जाके खाना खाएंगे नहीं मिला तो किसी भी जगह पे किसी अः मतलब की रोड साइड में बैठ के ठेले पे भी खा लेंगे तो इनका ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर होस्ट मिला तो पैरासिटिक इन्फेक्शन करेंगे अगर नहीं मिला

प्लांट्स उसको रहने के लिए जगह और फोटोसिंथेसिस करके भोजन देती है जबकि जो फंजाई है वो क्या करता है वो मिनरल्स और न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करके प्लांट्स को पहुंचाता है तो ऐसे में इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमें फंजाई में देखने को मिलता है जब आपको नोट्स दिया जाएगा तो ये सारी चीजें उसमें डिटेल में आपको मैंशन की गई होंगी

अब क्या होता है कि इसमें सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज होती है गैमी का मतलब होता है फ्यूजन और प्लाज्मा का क्या मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होती है और अब इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिनके अंदर दोनों की न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मतलब की डाई स्टेज बनता है हमारे में क्या होता है जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो फीमेल का होता है मेल का स्पर्म आता है वो अपने न्यूक्लियस को फीमेल के अंदर डालता है फटाक से दोनों में क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है जाइगोड का फॉर्मेशन हो जाता है बट इनके केस में क्या होता है दोनों के सेल जो है वो पास पास आते हैं दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है और वो एक साथ जुड़ जुड़ जाते हैं जुड़ने के बाद इनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनके क्या होता है दोनों न्यूक्लियस मेल वाले भी और फीमेल वाले भी प्रेजेंट रहते है, वो साथ में होता है ऐसी कंडीशन को हम डाई कहते हैं और ये प्लाज्मोगिका लास्ट स्टेप होता है जैसे ही दोनों न्यूक्लियस जो है ये दोनों न्यूक्लियस जैसे ही फ्यूज कर जाते हैं जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, हैं कर जाते हैं और एक न्यूक्लियस बना देते हैं इस condition को हम क्या कहते हैं? Carry on, carry on, carry on कहते हैं? हैं कि यहां पे जो जो होता होता है, जो आपका genetic material होता है, वो कर जाता। जैसे ही, ये, जैसे ही है, है, ये भी है, जब इनका फ्यूजन होगा तो ये डिप्लॉइड बन जाएंगी और डिप्लॉइड को जैसे ही ये, डिप्लॉयड होती है कुछ समय बाद

रिप्रोडक्शन so, में ये होता है, सिर्फ पहले में फ्यूज होती है फिर हमारे पास कैरियोगी होती है और फिर हमारे पास म्यूसिसमी हम जो है वो कितने से अलग अलग प्रकार से ग्यामी पॉसिबल है पहली बार जो प्लाज्मोगी की बात है बारे में हम बात करते हैं वो है प्लैंटोगेटिकॉपुलेशन मतलब कि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे गैमेट्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कॉपुलेट करते हैं और इसमें क्या होता है जो प्लेंटोगैमिक प्लेंटोगैमेटिक पॉपुलेशन होता है इसमें हमारे पास तीन कंडीशन होती तीन कंडीशन क्या होती है पहली कंडीशन में यह होता है कि हमारे पास जो दोनों गैमेट्स हैं वो मोर्फोलॉजिकली और फिजोलॉजिकली सिमिलर होते हैं मतलब कि अगर मेल मोटाइल है तो फीमेल मतलब एक अगर गैमेट्स मोटाइल है तो दूसरा भी गैमेट मोटाइल होगा आप उसे फिजिकली देख के नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है तो ऐसे गैमेट्स जो है वो कहला आइसोगी कहलाती है एनआईसोगी में क्या होता है कि एनआईसोगी में एक जो है दोनों जो है वो साइज में डिफरेंट होते हैं बट मॉर्फोलॉजिकली जो है वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं मतलब एनाइसोगी में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है बट आ, जो है कि

उगोनियम के साथ या जो भी आपका जो फीमेल पार्ट होता है वो इस तरीके से हो जाता है और इसके अंदर जो है वो एग का फॉर्मेशन जिसे ऊस स्पोर्स कहते हैं वो बनता है उसके बाद इस ऊस स्पोर्स के साथ जो है वो मेल का जो ट्यूब होता है या मेल का जैसे मंथ्रीडियम कहते हैं वो आता है अटैच होता है जहां पर अटैच होता है वहां से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमेट्स के में जो जो भी जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस बड़े से जो ओगोनियम होता है यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है और तो यहाँ पे आपका क्या होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो फीमेल होता है वो मेल के साथ कॉन्टेक्ट करता है और यहाँ पे आपके पास गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट होता है वहीं पे आपके पास गेमिटेंजियल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि

छोटे छोटे तरीके से स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल्स के साथ जा क्या करते हैं यहां पे किसी माध्यम से हवा से किसी भी माध्यम से जो है ये फीमेल तक पहुंचते हैं और, वहां, में है, है, और वहां पे जो है कॉपुलेशन होता है और सॉरी वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है यहां पे कोई स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है इसे हम क्या कहते हैं स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं लास्ट में आपके पास क्या है सोमैटो क्या ये देखिए स्पर्मेटाजेशन का फिगर है आपके पास की कि किस तरीके से जो नॉर्मल हाइफी है उसी में आपके पास छोटे 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 इस तरीके से स्पर्मेटिया देखने को मिलते हैं और ये परमेटिया जो है वो जाके फीमेल की ट्राइकोगाइनी से फ़्यूज़ करते हैं और हमारे पास

ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे तो आज की क्लास के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट